डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीई एजू हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे फिजिक्स में विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या होता है उसको समझते हैं। तो ध्यान से देखना, ये जो ऑब्जेक्ट है अब अपने को इसकी जो साइज है उतनी दिखाई दे रही है। जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम दूर ले जाएंगे तो अपने को ये ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देने लग जाएगा। तो उसका रीजन क्या है वो हम समझते हैं बाई हेल्प ऑफ विजुअल एंगल। तो देखो, विजुअल एंगल होता है एंगल सबस्टेंडेड बाई एन ऑब्जेक्ट ऑन आई। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आई के ऊपर कितना एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं विजुअल एंगल। देखो, समझते हैं इसको। सपोज दैट ये अपना आई है, यहां पर इस आई के सामने यहां पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा। सपोज दैट दिस ऑब्जेक्ट इज एबी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आई के ऊपर ये वाला एंगल सस्टेन कर रहा है, तो इस एंगल को हम कहते हैं, सपोज दैट दिस एंगल इज अल्फा, तो इसको हम बोलेंगे विजुअल एंगल। अब देखो, इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां पर रखूंगा, देखो क्या होगा, सेम ऑब्जेक्ट है बट उसको थोड़ा सा हम आई से दूर रख रहे हैं, हाइट सेम है ए बी। देखो, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये आई के ऊपर एंगल बनाएगा ये वाला, सपोज दिस एंगल इज बीटा। तो आप देख पा रहे हो क्लियरली कि यहाँ पे जो अल्फा है ये ग्रेटर देन है बीटा। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आई से दूर ले जाएंगे वैसे वैसे ये जो एंगल है विजुअल एंगल ये डिक्रीज होता जाएगा, और विजुअल एंगल के डिक्रीज होने से अपने को ऑब्जेक्ट छोटे दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये रीजन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब वो अपने से दूर जाता है तो छोटा दिखाई देने लग जाता है। तो ध्यान रखना, विजुअल एंगल इंक्रीज होगा तो ऑब्जेक्ट अपने को बड़ा दिखाई देगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ऑब्जेक्ट अपने को छोटा दिखाई देगा। तो आपने देखा भी होगा, जैसे आप लोग कई बार पहाड़ पे बैठ के देखते हो तो वहाँ पर वहाँ से आपको जो लोग हैं वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, नीचे जो भी होते हैं, बट जब आप उनके पास जाते हो तो आपको बड़े दिखाई देते हैं। तो उसके पीछे यही रीज़न है। तो ये है अपना विजुअल एंगल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नीफाइंग पावर या फिर एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफाइंग पावर होता है, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये आई के ऊपर, ये सपोज दैट आई है, आई के ऊपर ये एंगल बना रहा है अल्फा। अगर हम इस एंगल को इंक्रीज कर दें किसी भी इक्विपमेंट की हेल्प से तो ये ऑब्जेक्ट अपने को बड़ा दिखाई देने लग जाएगा। तो ये जो पावर होती है इंक्रीजिंग विजुअल एंगल, इसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर या फिर एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो जो माइक्रोस्कोप होते हैं, टेलीस्कोप होते हैं, इन इक्विपमेंट की हेल्प से हम विजुअल एंगल को इंक्रीज करते हैं जिससे अपने को ऑब्जेक्ट क्लियर और बड़ा दिखाई देने लग जाता है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन होती है, मैग्नीफिकेशन पावर को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूले की अगर हम बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो होता है एंगल सबटेंडेड बाई इमेज ऑन आई डिवाइडेड बाई एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आई, इसको हम बीटा बोलेंगे, इसको अल्फा। तो डेफिनेशन यहीं से बन जाएगी अपनी, मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी एंगल सबटेंड बाई इमेज ऑन आई और एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आई। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं
मैग्नीफाइंग पावर। यहाँ पर आप ये वर्ड भी यू थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, जिसको हम कैपिटल डी लिखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को इनिशियल में अपने को कहाँ पे रखना है, डी डिस्टेंस पर, डी का मतलब 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रखो, फिर देखो कितना एंगल बन रहा है, दैट इज अल्फा। उसके बाद जो भी हम इक्विपमेंट यूज करेंगे लाइक माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप, उससे उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कितना एंगल बना रही है आई पर, दैट इज बीटा। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड एम, मैग्नीफाइंग पावर, एम इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। तो ये था अपना मैग्नीफाइंग पावर।